दो, तुम निकाल दो, ऐसे ऐसे निकालो। हाँ स्टार्ट करते हैं, इधर आओ। नमस्ते स्मिता बिडिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। माय नेम इज सुस्मिता, वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग। आज है क्या, आज है स्पेशल डे, हर दिन स्पेशल डे, आज कुछ नहीं है ऐसे। आज है छुट्टी का दिन और आज है मौज मस्ती का दिन, आज है नॉन वेज का डे। ये इंट्रोडक्शन के देने के बाद ना, ये जो स्टार्टिंग करनी होती है बात, वो सबसे मतलब ब्लॉग में सबसे ज्यादा मुश्किल पार्ट वही रहता है, ठीक है ना। मतलब आप ब्लॉग तो बना दोगे, मतलब स्टार्ट करोगे कैसे कि नमस्ते स्मिता बिडिया में आप सबका स्वागत है, ये आपका जो चैनल का नाम है। फिर रुको, थोड़ा खोल रही हूँ, बातें कर करके खोल। फिर उसके बाद आप क्या बोलोगे, क्या सोमवार है, आज मंगलवार है, ये तो सबको पता है। आज मैं थोड़ा सा, मैंने हेयर स्टाइल थोड़ा सा अलग किया है, कुछ दिख रहा है, बहुत सारे क्लिप है, देखो बहुत सारे क्लिप है, बहुत जितने भी क्लिप मेरे पास थे सबको लगा के मैंने एक हेयर स्टाइल बनाया है। तो मैं थोड़ा सा चेंज, मम्मी क्या खोले, तुम पहले हाय बोलो सबको, हाय से, हाय मुंह से बोलो, हाय हाय। पहले सबको काउंट करके सिखा दो, काउंट कैसे करते हो, जी बोल रहे थे मंत्र में, जी सो नाक मत कटा, 1 2 3 4 5 मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरकीब लगा के देख चुके हैं। रीशु ना 4 के बाद 5 नहीं बोलता, 8 9, पहले तो 9 बोला था, अभी 2 दिन से अभी हो गया उसका 8 चल रहा है। ऐसे भाई कौन सा तरकीब लगाए ऐसे, फिर बस अभी उसके ऊपर ज्यादा फोर्स नहीं देते भाई, जो बोल रहा है मतलब बोल तो रहा है ना, बोल तो कुछ तो नंबर बोल रहा है, ऐसे नहीं गधे की तरह तो नहीं हो रहा है ना कि पता नहीं है ऐसे। खोलो, ओ भाई खोलो जल्दी, बाबा को सली जी गए हैं नॉन वेज लाने के लिए, तो लेके आ गए अभी। देखो रीशु कितना नाटक कर रहा है ऐसे, अरे भाई दरवाजा खोल रीशु, इतना नाटक क्या, उनके घर पे जाके समोसा खा के आ गया है, समोसा खा के आए राम, समोसा खा के हगी हगी, रुक जा बाद में करेगा। अभी प्याज खत्म हो गया था, प्याज ले गया, अच्छा हुआ ककड़ी लाए, टमाटर भी खत्म हो गए, तो मेरे सब्जी इतना नहीं है, और सब्जी नहीं मिला गया कुछ, मिला लाया नहीं, चावल मैंने बिठा दिए, दूध को भी ऐसे, चाय पियोगे, ठीक है चाय पीते हैं। और 2 टाइप नॉन वेज लाए हैं, करने के टाइम पे दिखाऊंगी, अभी नहीं। अभी प्रॉन मैंने थोड़ा फ्राई कर लिया है, रिश्ते के लिए मैंने निकाल दी, वो ऐसे खाएगा। हमारे लिए हम सब्जी बना रही हूँ, मतलब हमारे लिए प्रॉन करी बना, नॉर्मल सा प्रॉन कर मसाले वाले। प्याज को भून रही हूँ पहले, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, मैं ऐसे करके रख देती हूँ, फिर टमाटर डाल दूंगी, जैसे नॉर्मल सा करी रहता है ना मसाले वाले करी, तो आज वैसा ही होगा और कुछ नहीं, मतलब आज कुछ मतलब इनोवेशन या कुछ भी कारीगरी करने का मन नहीं है। और ये लेके आए धनिया के पत्ते, इसको सोच रही हूँ कि इसका चटनी बनाऊंगी, देखते हैं क्या करेंगे। और फिश जो है ना उसको फ्राई करके रिशु के लिए एक निकालूंगी, बाकी सबको मैं रख दूंगी फिश को, और किसी दिन खाएंगे। लेकिन आज तो सिर्फ नॉर्मल सा प्लेन राइस और प्रॉन करी और सलाद। रिशु के लिए थोड़ा सा टमाटर राइस बनाऊंगी, उसके लिए दाल नहीं बना रही हूँ इसलिए टमाटर राइस बनाऊंगी, तो वो खा लेगा। और तो क्या बनाऊँ उसके लिए सोच रही हूँ दिमाग में, ऐसे मछली तो फ्राई करूँगी खाएगा, और क्या टमाटर की राइस मछली सफिशिएंट रहेगा। घरेलू खाना बोलते हैं क्या, घरेलू खाना इसको क्या बोलते हैं, घरेलू खाना, घरेलू खाना अच्छा है। अभी तो खाया नहीं, कैसे बोलूं, तुमने ये खाया ना, ये खा के तो बता सकते हो ना तुम दोनों, ये वाला अच्छा है ना, ये तो तुम्हारा मोस्ट रिक्वेस्टेड आज था कि इसको बनानी है स्पेशली, मिर्ची है ना डाला मैंने इसमें मिर्ची, और सिंपल सा प्रॉन करी और प्लेन राइस, रिशु का टमाटर राइस रिशु ने खा लिया, रिशु अभी झूप रहा है, किधर है तू, किधर है, देखो क्यों गुस्सा था उसके अंदर, चलो सोते हैं, चलो 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 भागो, क्या हो गया, नहीं सोना है, खेलना है, खेलना है उसको, क्यों रोता है, अरे बाबा बाबा गिली गिली कर, ऐसे रोते नहीं है, चलो इसमें रोने की क्या बात है, ऐसे मतलब उसको सोना नहीं है, पापा है ना आज अलग ही टर्सन है, जितना था ना बर्तन सिंक में धो डाली मैंने, इन
नहीं रखते ऐसे चम्मच वम्मच ऐसे हाँ नहीं रखते हो चाय के कप ऐसे। ये वाला बोतल अभी इससे मैं काउंट करूंगी कि मैं कितना पानी पी रही हूँ। अभी इसको मिला के हो गया है ये खत्म होगा उसके बाद दो बोतल बचेंगे। पूरी कांच का है ये पूरी कांच का है छुपा के रख रही हूँ रिसू से उसका तो, अभी तक तो उसके ध्यान में नहीं आया है लेकिन मस्त है मतलब वो होता है ना कुछ कुछ चीज़ ऐसे कि इसे लेनी है भाई कुछ भी हो जाए। पानी कुछ अलग ही मीठा लग रहा है इस बोतल में। ये थोड़ा शूट कर रहे हैं ऐसा कैसे कर रहा है भाई तो और क्या करूं इधर एक फ्लैट खरीद लो क्या हाई बीएचके का फ्लैट एक खरीद लो हाइट फाइव हाई बीएचके का फ्लैट है खरीद लो हाई बीएचके रहने के लिए कौन होगा तुम तो रहते नहीं हो और इशू में घर से सबको बुला देंगे सबको एक बीएचके हां हां खरीदो तुम पहले सुनने में बड़ा मजा आ रहा है लेकिन क्या हुआ हाय राम भगवान क्या हो गया क्या हो गया अंकल को क्या अंकल को पता नहीं चला हाँ। क्या हो गया अंकल को लाइट बंद हो गया अंकल का लाइट बंद हो गया ओ माय गॉड फिर क्या करेंगे क्या करते हैं पता नहीं हाय राम भगवान क्या करेंगे लाइट देते हैं अंकल लाइट दो अंकल लाइट दो हाँ अंकल लाइट दो क्यों लाइट बंद कर रहे हो शाम हो गई है ना यहाँ पे ना लोग बिना मतलब गाड़ी में लाइट लगा के गाड़ी चला रहे और जो सर्कल रहता है वो सर्कल में घूम के नहीं आते ऐसे ही अंदर घुस जाते हैं। बेसिक ट्रैफिक रूल बहुत सारे लोग फॉलो नहीं करते है ना बहुत सारे यहाँ पे डर लगता है गाड़ी चलाने में ऐसे मतलब वो तो एकदम से वो उनकी भी एक्सीडेंट होगी साथ साथ जो रूल पे चला रहा है उसको अभी वो करके जाएंगे ऐसे एक्सीडेंट है ना। इतना क्या हो गया मतलब मैंने सब्जी खरीद ली मतलब आज ना चाउमीन खाने का मन किया चलो यार चाउमीन के लिए सामान लेके आए थे फिर सब्जी खरीद ली फिर जिस दुकान पे हम चाउमीन लेके जाते हैं मतलब पैकेट वो वाला हमको नहीं मिला फिर मैं बोली कि चलो यार बहुत दूर पे दुकान है वहाँ पे सर्च करते हैं नहीं तो चाउमीन का प्लान कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या बोले पता है कि जाओ जाओ तुम चल के जाओ फिर तुमको मिलेगा तो हम जाएंगे ऐसे मतलब गाड़ी लेके वहाँ पे खड़े हैं और मैं ना कम से कम 250 मीटर तक मैं गई फिर अभी मिला वो एक दुकान पे फिर जा रही हूँ उनको बुलाने के लिए। और क्या मेरे फोन पे भी नहीं था कि फोन लगाऊं फिर तुम आ जाओ वो भी नहीं था ना ऐसे खाना भी हजम हो गया। अच्छा मैं उनको बोल के कि मैं अपने हस्बैंड को लेके आती हूँ वो दुकानदार मतलब सोच रहा होगा कि पागल है लड़की बिना पैसे लिए आ गई सर्च करते करते आ गई ये लड़की इधर पे मैं अपने हस्बैंड को लेके आता हूँ मैं दो पैकेट लेके जाऊंगी ठीक है मैडम आओ आप हम चाउमीन खाने चाउमीन चाउमीन रिशु यहाँ पे ना रेगुलर कस्टमर हो गया तो हम उसका एक कार्ड बना लेते हैं कि हमको थोड़ा सा अभी 50 रुपए मत ले भाई थोड़ा सा कम कर ले गाड़ी लग रहा है तो अभी थोड़ा सा कॉन्सेशन दे हमको कम कर दे हमको 30 रुपए में हम रोज रोज जाएंगे लेकिन हमको 30 रुपए में अगर देगा तो हम करेंगे। और हमको मतलब अभी इनको भूख लग रही थी फिर हम दबा के गोलगप्पे खा के आए मत देखो देखने से मन होगा कि खरीद ले ऐसे तो घर जाके फिर चाउमीन बनाने का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। चीज मैंने रेडी कर लिया है कटिंग हो गई और ये चाउमीन को बॉईल करके रख लिया अभी तेल गरम होने को है अभी उसको देते हैं कुछ सेकेंड्स फिर गरम हो जाएगा उसके बाद स्टार्टिंग करेंगे। सबको एक साथ डाल दूंगी थोड़ा सा लाइट फ्राई होगा ज़्यादा फ्राई नहीं करूंगी नहीं तो उसकी जो मतलब खूबियाँ है ना वो चली जाएगी ऐसे। फिर ब्लैक पेपर आज है स्वीट एंड ये क्या है हॉट एंड स्वीट सॉस और फिर डाल के बनाते हैं आज की ताजी ताजी चाउमीन। आप मेरे हाथ का चाउमीन खाने के लिए रेडी हो खाना तो पड़ेगा खाना है तो रात में Why are you doing this? Give me a proper answer. नहीं How to disturb your husband? ये गरम हो गया अब डालेंगे सब्जी सबको डाल देते हैं एक साथ जा 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 रोना नहीं है
ये सब्जी डालने के बाद ना रिशु रोने लगा। उसके बाद से मैं क्या कैमरा पकड़ के रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मतलब सब्जी डाल दिया, थोड़ा सा लाइट सा थोड़ा सा मतलब फ्राई कर लिया मैंने, हल्का फ्राई। फिर उसके बाद मैंने नूडल्स डाले और सारे जो सॉस है ना, सारे सॉस मतलब सोया सॉस डाला है और वो जो हॉट एंड स्वीट वाला सॉस था वो डाला है, और थोड़ा सा सफ़ेद तिल और क्रस्ट ब्लैक पेपर, बस इतना। फिर हो गया मेरा रेडी घर का नूडल्स। अभी रात के बज गए हैं 11 बजने को 2-3 मिनट बाकी है, और जितना भी मेरा मतलब क्रॉकरी सेट में अभी इस्तेमाल करो फिलहाल, ऐसे कि खुद को स्पेशल बनाओ, ऐसे मतलब सिर्फ गेस्ट के लिए नहीं रखो, और आप डेली के बेसिस पे क्रॉकरी सेट यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसका सही तरह से आप मतलब इस्तेमाल करोगे, मतलब सही तरह से उसको प्रॉपर केयर लोगे तो क्रॉकरी सेट आराम से जाएगा। अगर हम मेड मतलब जो बाई वगैरह आते हैं उनको अगर देंगे ना, देखो वो 50 घर में 50 टाइप के काम करते हैं तो उनको जल्दी रहती है, फिर वो इतना क्यों देखे ऐसे। अगर हम अपना सेट को खुद ही ध्यान नहीं रखेंगे तो वो क्यों रखेंगे, फिर वो जल्दी जल्दी में टूट जाती है, क्योंकि वो डेलिकेट होते हैं सामान, तो डेलिकेट सामान को अगर यूज़ करनी है तो उसका प्रॉपर ख्याल भी रखना पड़ता है। बोलते हैं शौकीन, अगर इस चीज़ के बारे में अगर हम शौकीन रहेंगे ना तो उसका देखभाल हमको खुद को करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे के हाथ में हम कुछ थमा के शांति में नहीं रह सकते ऐसे। मुझे लगता है कि ये मिडिल क्लास मेंटेलिटी है, तो ये मेंटेलिटी मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है। खुद का सामान है, खुद मतलब उसको देखभाल करके रखो, अगर नहीं होता है तो बाई को दो, अगर वो तोड़ देती है उसको डांटना नहीं ऐसे, ये रूल्स होनी चाहिए। और आज का होल डे जो मेनू था वो सुपर था, बहुत स्पेशल फील हो रहा है मुझे कि अच्छा वाला डिसीजन हमने लिया कि चाउमीन मंगा के खा लेंगे। मतलब सिर्फ मतलब जो बोलते ना आपको एक सेकंड में कुछ लगता है ऐसा कि नहीं मिला, पर एक दुकान जिस दुकान में मुझे मतलब जो चाउमीन बराबर पतले वाले चाउमीन ना, फिर यहाँ पे मैंने सिर्फ एक दुकान ही मैंने एक्सप्लोर किए थे तो वही दुकान में मुझे मिल रहा था, फिर आराम से लेके मैं कभी भी बना रही थी। लेकिन आज जब उसने बोला कि नहीं है भाई, हाँ चाउमीन खाने का सपना ही ना रह जाए, इसलिए फिर चलो हमने कोशिश की और कामयाब हुए, यार चाउमीन हमने खा ली। तो हाँ, आज का ब्लॉग भी हम यहीं पे बंद कर लेते हैं, नहीं तो ये ड्रामेबाज जो चेहरा है ना फिर आगे आगे बढ़ता जाएगा, फिर आप बोर होते जाओगे। तो इसी के साथ ही आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा, अगर अच्छा लग रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और हिट द लाइक बटन, ओके डोंट फॉरगेट लाइक बटन, और उसके पास जो बेल का आइकन है, सब्सक्राइब के पास जो बेल का आइकन उसको दबा देना, आपको नोटिफिकेशन आएंगे, ओके। और स्मिता स्टाइल, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, हर हर महादेव।